Hello learners, welcome to course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This video lecture is on Automobile Control System. So after the completion of this video lecture, our COO will be fulfilled, which is select suitable braking and steering system for different application. So automobile में दो तरीके से control करना पड़ता है हमको, तो एक होता है braking और दूसरा है steering system. तो ये दोनों के कौन से system होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, इस video lecture की series में हम लोग सीखेंगे. तो आज हमारा जो topic है वो है automobile braking system. तो braking system क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू सिलेक्ट रिलेवेंट ब्रेकिंग सिस्टम फॉर द गिवन एप्लीकेशन विद जस्टिफिकेशन. तो क्या करना है हमको, ये हम ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन सी कंडीशन में किस टाइप का यूज किया जाता है, सो दैट एट द एंड हमको ये समझ में आएगा कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए व्हीकल के हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम सिलेक्ट करना चाहिए. तो ये इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक ब्रेकिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं और एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे. और उसके बाद हम कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे जो ब्रेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो PO और PSO मैपिंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो PO1 यहाँ पर मैप होगा, बिकॉज हम ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं जिसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज हमारा एनहांस होने वाला है, इसीलिए PO1 मैप किया गया है. उसके बाद आता है PO4. PO4 यहाँ पर हम लोगों ने मैप किया है जो है इंजीनियरिंग टूल्स एंड प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए PO4 मैप किया है. उसके बाद PO7 इज ई लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो ब्रेकिंग सिस्टम में बेसिक चीजें है जो हमेशा बहुत सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन में यूज होता है, इसीलिए PO7 भी मैप किया है. साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे, सो इसीलिए PSO2 हम लोगों ने मैप किया है, क्योंकि हम यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में भी बात करेंगे. सो ये था इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम. सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ऑटोमोबाइल ब्रेक्स. जैसे कि नाम है, ब्रेक किस लिए यूज होता है, तो ब्रेकिंग या ऑटोमोबाइल ब्रेक इज अ मैकेनिज्म, एक टाइप का मैकेनिज्म होता है जो व्हीकल्स में यूज होता है, कई मशीनरीज में भी यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड की बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन मोटर व्हीकल. सो इट इज यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन एंड स्टॉपिंग द व्हीकल. तो बेसिकली ब्रेक का काम क्या है कि व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करना. स्पीड को कंट्रोल करना यानी स्पीड अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जाती है तो भी हमको उसकी स्पीड को कम करना है, स्पीड को रिड्यूस करना है, या फिर अगर आपको व्हीकल को रोकना है तब ब्रेकिंग काम में आती है. तो ये ब्रेकिंग एक मैकेनिज्म होता है जो व्हीकल की स्पीड को कम करने के काम में आता है, व्हीकल की स्पीड को जीरो पे लाने के काम में आता है. और ये कब होना चाहिए, ये सारी चीजें जो होनी चाहिए वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे होनी चाहिए. सो दैट इज द बेसिक रूल फॉर ब्रेकिंग. सो ब्रेकिंग के लिए क्या जरूरी है, तो ये स्लोइंग डाउन एंड स्टॉपिंग द व्हीकल एट रेस्ट एंड इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. तो ये दो बहुत रिक्वायरमेंट चीजें होती है किसी भी ब्रेक की. तो आइए देखते हैं कि ब्रेक के बाकी फंक्शंस और रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमोबाइल ब्रेक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. नाउ जब कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. ओके, सो कोई व्हीकल चल रहा है तो आपको ब्रेक लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पावर को सप्लाई बंद करते हैं, यानी आप क्लच दबाते हो. क्लच दबाने की वजह से क्या होता है, व्हील को पावर ट्रांसमिशन रुक जाता है. पावर ट्रांसमिशन रुक तो जाता है, फिर भी वो व्हीकल तुरंत रुकता नहीं है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है इनर्शिया. तो
ये जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया की वजह से वो जो व्हील है वो घूमते ही रहता है, और व्हील घूमता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें उस व्हीकल को रोकना है, उस व्हील को घूमने से रोकना है, तो हमें ये जरूरी है कि हम ये काइनेटिक एनर्जी को खत्म करें। अब ये काइनेटिक एनर्जी को खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिक रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए ब्रेकिंग का जो मैकेनिज्म है वो काम में आता है, और वो क्या करता है कि यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैकेनिकल तरीके से हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो वी आर कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और ये करने के लिए वी यूज फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो फ्रिक्शन इज अ कंसेप्ट विच इज यूज टू अप्लाई द ब्रेक, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक व्हील है या एक डिस्क है जो रोटेट हो रही है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो पैड के कांटेक्ट में ला रहे हैं, और ये पैड और ये यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक्स। तो ब्रेक्स का वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना कि ब्रेक इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, एंड बाय डूइंग दिस फ्रिक्शन वी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी कहाँ हो जाएगी, वो हीट एनर्जी को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल फॉर ब्रेक। आगे देख लेते हैं कि ब्रेक के पर्पस क्या होते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। सो बेसिकली ब्रेक क्या काम करता है, तो इट इज यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल। ये सबसे पहला ऑब्वियस चीज है कि ब्रेक का काम क्या है, व्हीकल को स्टॉप करने के काम में आता है। उसके बाद कई बार आपको व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस समय पर स्पीड को कंट्रोल करना है, तो आप यहाँ पर ब्रेक को यूज कर सकते हैं। कई बार जब आप किसी ब्रिज से नीचे की ओर उतर रहे होते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से और डाउन जो ये होता है स्लोप होता है उसकी वजह से आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, तो उस जगह पर भी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम जब आप व्हीकल को पार्क करके कहीं जाते हैं, तो ड्राइवर के अब्सेंस में आपको ब्रेक को लगा के रखना पड़ता है। सो व्हीकल आपका रुका हुआ रहना चाहिए, कोई भी मोमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्हीकल को जब आपको पार्क करना है एट दैट टाइम आपको व्हीकल को स्टेशनरी रखने के लिए भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्रेक के बेसिक पर्पसेस है। तो इस तरह से ब्रेक यूज होता है। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ ब्रेक, और इट इज द पर्पस फॉर विच द ब्रेक इज यूज्ड। नाउ आगे देख लेते हैं कि एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, कि एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम अगर हमें चाहिए तो उसमें क्या क्वालिटी हो जानी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि इट शुड वर्क एफिशिएंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ रोड कंडीशन एंड क्वालिटी। अब देखिए, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल जब आप चला रहे हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही जैसी कंडीशन में चलाएंगे। ये कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी व्हीकल जब बहुत ज्यादा चलते रहता है, बार बार ब्रेक लगाते हो, तो वहां पे हीट जनरेट होती है, और ये हीट जनरेट होने की वजह से भी कंडीशन चेंज होती है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपका व्हीकल ज्यादा हीटअप है, व्हील ज्यादा हीटअप है, तो अगर ब्रेक नहीं लगी तो वो कंडीशन ये है, यानी उस कंडीशन में भी ब्रेक लगनी चाहिए। कई बार बारिश होती है, आपके व्हील भीग जाते हैं, और इट मे पॉसिबल कि जो कंडीशन है वेट कंडीशन है, तो उस जगह पर भी ब्रेक इफिशेंटली लगनी ही चाहिए। उसके बाद आता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और रोड की जो कंडीशन है वो हमेशा चेंज होते रहती है। कहीं पर एसफाल्ट की रोड होती है, डांबर वाली रोड होती है, कहीं पे सीमेंट रोड होता है, कहीं मिट्टी होती है, कहीं पत्थर होते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन के रोड पे चलाओ, लेकिन आपकी ब्रेक एफिशिएंटली लगनी ही चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सो दो सबसे पहली क्वालिटी है जो आपके ब्रेक में होनी चाहिए। उसके बाद द रिटार्डेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब
आप गाड़ी चला रहे हो और आपने ब्रेक लगाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो स्पीड है, जो व्हीकल की स्पीड है, एक तुरंत एक झटके में जीरो पे आ जाए। यानी जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तुरंत आपकी स्पीड रुक जाएगी, आपका व्हीकल अगर रुक गया तो क्या होगा, आपको एक झटका मिलेगा और इट में पॉसिबल कि आपका व्हीकल का बैलेंस बिगड़ जाए, स्किड हो जाए और आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसीलिए जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो स्पीड रिड्यूस होती है वो रिटार्डेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। जब तक आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो जो रिटार्डेशन है, जो ब्रेक की एप्लीकेशन है, वो धीरे धीरे होनी चाहिए, ना कि एक झटके पे होनी चाहिए। उसके बाद द पेडल एफर्ट्स मस्ट बी विद इन द कन्वीनियंट कैपेसिटी ऑफ ड्राइवर। यानी क्या होना चाहिए, जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आप ब्रेक लगाते हो, पेडल दबाते हो या लीवर खींचते हो, तो वो जो एफर्ट लग रहे हैं ब्रेक को लगाने के लिए, वो ड्राइवर के कैपेसिटी में होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर की उतनी हालत ही नहीं है, उतनी ताकत ही ड्राइवर नहीं लगा पा रहा है जितनी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। तो ये जैसे जैसे व्हीकल का साइज बढ़ते जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है, व्हीकल का लोड बढ़ते जाता है, तो उस हिसाब से ड्राइवर की कैपेसिटी के हिसाब से जो एफर्ट्स है वो भी बढ़ते जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि एफर्ट्स ड्राइवर की कैपेसिटी में होना चाहिए, ना कम से कम होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी रिलायबल एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय हीट, वाटर एंड डस्ट। तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय हीट, वाटर एंड डस्ट। तो ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर हीट आ रही है तो उससे वो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वाटर से या फिर डस्ट से। ये डस्ट, हीट या वाटर आपके अगर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर अगर आ जाता है तो उसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए और ब्रेक लगती ही रहनी चाहिए। इसका वेट सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद इट शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड देन इट शुड बी इजी टू मेंटेन एंड एडजस्ट। तो मेंटेनेंस तो ब्रेक का होता ही है, कंटिन्यूअसली आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कई बार आपको देखिए ब्रेक चलाते हो तो आप कुछ दिन के बाद क्या करते हो, उस ब्रेक को एडजस्ट करते हो, आपको टाइट करते हो आपके जो शूज है उनको। तो उसके लिए क्या है कि एडजस्टमेंट बहुत इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडजस्ट करने के लिए आपको कोई सर्विस स्टेशन में जाना पड़ रहा है और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो दैट थिंग शुड नॉट बी हैपन। उसके बाद नॉइस एंड वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके ये नहीं है कि ब्रेकिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहे या उसमें से आवाज आते रहे। आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, अगर जोर से आवाज आई तो इट मे बी नॉट पॉसिबल फॉर यू टू यूज द ब्रेक अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए नॉइस नहीं होनी चाहिए जब भी आप ब्रेक लगा रहे हैं। उसके बाद में देयर शुड बी प्रोविजन फॉर सेकेंडरी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक का अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले फंक्शन देखा था, पर्पस देखा था ब्रेक का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रेक को लगाने के लिए एक पार्किंग ब्रेक का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम में इतनी सारी चीजें होती है। सो दीज ऑल आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। तो एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। नाउ लेट्स चेक आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। तो सबसे पहले जो ब्रेक है उसका क्लासिफिकेशन होता है बाय मेथड ऑफ पावर टू अप्लाई। अब आप ब्रेक किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर क्या क्या पावर लग रहा है, उसके लिए है। सबसे पहले होता है मैकेनिकल ब्रेक, यानी ब्रेक को लगाने के लिए पावर कहाँ से आ रहा है, एफर्ट्स कौन लगा रहा है। तो बेसिकली जब आप ब्रेक लगाते हो तो जो पावर है वो ड्राइवर का ही लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे व्हीकल का साइज, उसका स्पीड और उसका वेट वगैरह बढ़ते जाता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो ड्राइवर के कैपेसिटी में नहीं होता। यानी अगर आप एक टू व्हीलर चला रहे हो तो आप ब्रेक लगा सकते हो, फोर व्हीलर चला रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा हो जाए। लेकिन और अगर आप हेवी व्हीकल्स में जा रहे हो, बड़े ट्रक, ट्रिपर, ट्रेलर्स के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो इतना ज्यादा जो कैपेसिटी है वो ड्राइवर के कैपेसिटी में नहीं होता कि वो इतना पावर अप्लाई कर सके ब्रेक के ऊपर व्हीकल को रोकने के लिए। तो इसीलिए सिस्टम में अलग अलग टाइप का पावर होता है। तो जो टू व्हीलर्स होता है उसमें जनरली हम लोग मैकेनिकल ब्रेक यूज करते हैं, यानी जो पावर लगा रहा है वो ड्राइवर का एफर्ट लगता है। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी हाइड्रोलिक पावर से हम लोग ब्रेक अप्लीकेबल करते हैं। वैक्यूम ब्रेक्स होते हैं, एयर ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पर मैग्नेटिक पावर यूज करते हैं, और आखिरी में आता है एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक।
यहाँ से जो हम लोग देखेंगे तो मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक और उसके बाद एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक ये ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। ये जो दोनों एप्लीकेशन है ये ऑटोमोबाइल में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ब्रेक्स ये कई मशीनरीज वगैरह में यूजफुल होती है। तो यहाँ पे इतने सारे पावर के सोर्सेस हो सकते हैं, तो ये किस तरह से यूज होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। देन तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो ब्रेक का पहला टाइप है कि मेथड ऑफ पावर के बेस पे कौन से ब्रेक हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और एयर ब्रेक जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक भी यहाँ पर ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है मैकेनिकल ब्रेक, ये टू व्हीलर्स में यूज होते हैं। हाइड्रोलिक्स ब्रेक आपको दिखाई देंगे फोर व्हीलर्स में, लाइट मोटर व्हीकल्स, कार्स वगैरह में। एयर ब्रेक्स आपको हेवी व्हीकल्स में दिखाई देंगे और एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक भी आपको और ज्यादा जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो टाइप है उसके बेसिस पे अगर आप ब्रेक को क्लासिफाई करें तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो आप ब्रेक को यूज कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले होता है सर्विस और फूड ब्रेक्स, यानी जो ब्रेक का कन्वेंशनल यूज है व्हीकल को रोकना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रेक यूज होती है उसको सर्विस ब्रेक कहा जाता है। और दूसरी वो होती है पार्किंग और हैंड ब्रेक। तो जैसे कि हम लोगों ने दो पर्पस देखे थे कि नॉर्मली जब आप ब्रेक गाड़ी को यूज कर रहे हो तब ब्रेक कैसे यूज करते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है पार्किंग और हैंड ब्रेक। तो ये दोनों चीजें जो है सेम ही ब्रेक होती है, ब्रेक एक ही होती है पर उसको किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे रहता है। यानी आपकी एक ही ब्रेक रहेगी लेकिन उसको आप सर्विस ब्रेक के जैसे भी यूज कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तब उसी को हम लोग एज अ पार्किंग ब्रेक भी यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन बेसिस पे देखें ब्रेक को, तो सबसे पहले ब्रेक के दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्रम ब्रेक और दूसरा होता है डिस्क ब्रेक। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक ये दोनों ब्रेक होते हैं, यानी एक्चुअल जो ब्रेकिंग अप्लीकेबल होती है, जो फ्रिक्शन होता है वो इन दो बेसिस पे हो सकता है, ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है। तो अल्टीमेट जो ब्रेक अप्लीकेबल होती है वो या तो ड्रम ब्रेक होगी या डिस्क ब्रेक होगी। फिर उसके बाद ये बाकी की चीजें आती है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मैकेनिकल ड्रम ब्रेक हो सकती है, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक हो सकती है, हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक हो सकती है। फिर उसको इन्हीं दोनों ब्रेक को आप एयर ब्रेक से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर एयर असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक से भी उसको यूज कर सकते हो। सो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। तो आप हमेशा याद रखिए कि ब्रेक या तो ड्रम ब्रेक रहेगा या डिस्क ब्रेक रहेगा, पर उसको अप्लाई करने के लिए जो पावर लगता है वो हो सकता है या तो मैकेनिकल या हाइड्रोलिक या फिर एयर ब्रेक्स इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल ओनली। बाकी के टाइप्स के ब्रेक भी होते हैं बट वो ऑटोमोबाइल में इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो ये था ब्रेकिंग का क्लासिफिकेशन। ना हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो ब्रेकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो सबसे पहली जो ब्रेक टर्म आती है वो है ब्रेकिंग एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेकिंग यानी क्या होती है कि ब्रेक आपकी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है वो। लेकिन वो क्या होता है देखते हैं। द ब्रेक एफिशिएंसी इज द एबिलिटी ऑफ व्हीकल टू स्टॉप, यानी आपकी व्हीकल की एबिलिटी कितनी है व्हीकल को स्टॉप करने की, यानी आपका व्हीकल कितने स्पीड में चल रहा है, कितने देर में वो स्टॉप होगा, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। यानी देखिए जब आप गाड़ी चलाते हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो व्हीकल तुरंत नहीं रुकता, वो क्या होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके बाद उसकी स्पीड कम होती है, वो जीरो पे आता है। तो वो जो होता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी हम लोग दो कंडीशन में कंट्रोल करते हैं कि आपकी ब्रेक कितने स्पीड पे आप ब्रेक लगा रहे हो, यानी अगर 60 डिग्री पे 60 की स्पीड पे अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो कितने 50 मीटर पे जाके रुकेगी या 100 मीटर पे जाके रुकती है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी एबिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ व्हीकल टू स्टॉप फ्रॉम व्हाट एवर स्पीड इन व्हाट डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी इस तरह से डिसाइड होती है कि आपकी व्हीकल अगर 100 की स्पीड पे चल रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगे। इसीलिए ये जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये जो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है डिफरेंट रोड कंडीशन, यानी अलग अलग रोड कंडीशन पे ब्रेकिंग अलग अलग टाइप से अप्लाई होती है। आप नॉर्मल रोड पे व्हीकल चलाएंगे तो ब्रेक जल्दी लगती है, लेकिन अगर वही आप किसी
पथरीली जगह पे या जब रोड के ऊपर रेती होती है तब आप अगर इसको चलाएंगे तो ब्रेक की कंडीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद फॉल्टी ब्रेक्स इन व्हीकल, अगर व्हीकल फॉल्टी है, आपके लाइनर्स अगर घिसे हुए है ब्रेक के, तो ब्रेक जल्दी नहीं लगती। उसके बाद वॉर्न आउट ब्रेक लाइनिंग, जैसे कि मैंने बोला कि आपके लाइनर अगर खराब हो चुके हैं तो भी ब्रेक जल्दी नहीं लगती। उसके बाद अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके अंदर लीकेज होगा तो आपकी ब्रेक लगेंगी ही नहीं। एंटी लॉक इन ब्रेकिंग, ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। उसके बाद एयर, अगर एयर ब्रेक सिस्टम है और एयर ही उसके अंदर लीक कर रही है तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन फैक्टर आता है, यानी केयरलेसनेस। अगर ड्राइवर ही सही तरीके से गाड़ी चला नहीं रहा है और उसकी ब्रेक सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहा है तो वो केयरलेस ड्राइवर बोल सकते हैं उसको। सो दीज ऑल आर दी फैक्टर ऑन विच दी एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक डिपेंड्स। सो ब्रेक की एफिशिएंसी को इस तरह से डिपेंड चेक किया जा सकता है इतने फैक्टर्स के ऊपर। तो अगर आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ानी है ब्रेक की, आपके गाड़ी की ब्रेक की, तो ये सारे कंडीशन को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा बेसिक टर्म है रिलेटेड टू ब्रेकिंग वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग के एफिशिएंसी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस एक फंडा होता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसे कि क्या होता है, जब आप ब्रेक लगाते हो तो व्हीकल तुरंत रुकता नहीं है, वो क्या होता है एक डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका व्हीकल जीरो की स्पीड पे आता है, यानी रेस्ट पे आता है। सो जो डिस्टेंस होता है, जो आपके ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपके व्हीकल के रुकने तक व्हीकल ट्रेवल करता है, उस डिस्टेंस को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी व्हील एंड दी रोड। अब आपका जो व्हील है वो रोड पे चल रहा है और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा व्हील और रोड के बीच में, उतना ज्यादा टाइम, उतना कम टाइम इसको लगेगा आपके व्हीकल को रुकने के लिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, लेकिन व्हीकल जो है आपका वो सेफली रुकना चाहिए बिना किसी स्केडिंग के। देन दिस फॉर्मूला डिस्टेंस डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एंटी लॉक ब्रेक। यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग। एंटी लॉक ब्रेक्स क्या होता है या उसके ब्रेक की पंपिंग क्या होती है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूले की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। सो ये फॉर्मूला आता है डी, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो रहा है वो, और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये इसके बेसिक चीजें है। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूले को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से, अलग अलग स्पीड से स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग होता है। यानी अगर आप 60 की स्पीड पे ब्रेक लगा रहे हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग आएगा, 100 की स्पीड से ब्रेक लगा रहे हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग होगा, और सो ऑन, इट चेंजेस एवरी टाइम। तो अगली टर्म के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फेडिंग ऑफ ब्रेक। फेड होना यानी क्या हो जाता है कि धुंधला पड़ जाना, उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेकिंग का यूज आ रहा है, यानी फेडिंग ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक का काम करना बंद कर देना। अब ऐसा क्यों होता है? तो ब्रेक फेड इज बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन ऑफ स्टॉपिंग पावर, यानी आपकी ब्रेक काम करना बंद कर रही है और आपकी ब्रेक ने रोकना बंद कर दिया, यानी व्हीकल का स्टॉपिंग पावर जो है वो कम हो गया है। और ये क्या हो सकता है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। परमानेंट अगर आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही है मतलब आपकी ब्रेक खराब हो चुकी है, वो फेडिंग ऑफ ब्रेक नहीं होती। फेडिंग ऑफ ब्रेक क्या होता है कि आप बार बार व्हीकल को चला रहे हो, आप बहुत दूर तक अगर अपने व्हीकल चलाई है या आपने बहुत बार बार रिपीटेड और कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कुछ लोग होते हैं जो ब्रेक को दबा के ही व्हीकल चलाते हैं, या बहुत ज्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो, बार बार आप ब्रेक चला रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी ब्रेकिंग पावर जो व्हीकल की है वो खत्म हो जाती है, आपकी ब्रेक काम ही नहीं करती है, ब्रेक लगती ही नहीं है। ऐसा कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड में व्हीकल चला रहे हो या हाई लोड पे व्हीकल चला रहे हो।
तो अगर बहुत देर तक आप ब्रेक चलाते गाड़ी चलाते रहते हो, जिसमें आप बार बार ब्रेक यूज कर रहे हो, आपने 100 या 200 किलोमीटर तक लगातार व्हीकल चलाया, तो उस केस में भी ये जो फेडिंग ऑफ ब्रेक है वो आपका होता है। तो इसमें क्यों होता है, तो ये जो होता है ब्रेक फेड इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेम्पररी रिडक्शन और कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेकिंग पावर ऑफ अ व्हीकल ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपकी ब्रेक टेम्पररी काम करना बंद कर देंगी, या तो ब्रेक सही तरीके से नहीं लगेंगी या कुछ भी नहीं लगेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये किस वजह से होता है, तो इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्रेक पैड एंड ब्रेक रोटर नो लॉन्गर जनरेट सफिशियंट म्यूचुअल फ्रिक्शन। तो ये क्या होगा है, ब्रेक कब लगती है, जब आप गाड़ी चलाते हो और आपके ब्रेक ड्रम या ब्रेक पैड या डिस्क ब्रेक और ब्रेक पैड के बीच में फ्रिक्शन होता है। ब्रेक लगने के लिए फ्रिक्शन होना सबसे जरूरी चीज है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी ब्रेक ही नहीं लगेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक के बीच में ये जो फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन गायब हो जाता है। और अगर फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी ब्रेक नहीं लगेगी। और इसके वजह से, इसके पीछे जो रीजन है वो है हीट। आप जब बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हो, कंटिन्यूअसली व्हीकल चलाते हो, बार बार व्हीकल को यूज करते हो, तो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। ये जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जानी चाहिए, डिसिपेट होनी चाहिए। पर बहुत ज्यादा जनरेट होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती, और उसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जो पावर है वो कम हो जाता है। और फ्रिक्शन पावर अगर कम हो गया तो आपकी ब्रेक लगेंगी ही नहीं। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन को, उस कंसेप्ट को बोलते हैं फेडिंग ऑफ ब्रेक। तो अगर आप व्हीकल में ऐसा हो रहा है, आपने बहुत देर तक गाड़ी चलाई या बार बार आपने ब्रेक यूज की, तो इसका कोई मतलब इसमें कोई सर्विस करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है, आपको व्हीकल को कुछ देर के लिए रोक देना है, आपके ब्रेक को ठंडा होने देना है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर आप पानी डाले या और कुछ डाले, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसके वजह से भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, व्हीकल को थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। 15 या 20 मिनट में आपका जो व्हीकल होता है, आपके जो फ्रिक्शन पैड होते हैं, आपका ब्रेक ड्रम जो होता है वो ठंडा हो जाता है और वापस ब्रेकिंग चालू हो जाती है। तो ये एक बेसिक इसका तरीका है। तो फीडिंग ऑफ ब्रेक अगर हो रहा है, आप लंबे टूर पे कहीं जा रहे हो, बार बार गाड़ी चला रहे हो, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ये फेडिंग ऑफ ब्रेक की वजह से भी कई बार एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये याद रखिए कि ये जो चीजें होती है ये अनएक्सपेक्टेड होती है, कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले तो फंक्शन और रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम क्या होती है ये हम लोगों ने देखा है। तो दैट विल बी अवर फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में डिफाइन किया है, जैसे ब्रेक एफिशिएंसी, स्टॉपिंग डिस्टेंस और फेडिंग ऑफ ब्रेक। तो ये तीन भी आपको आने चाहिए। उसके बाद इसकी पीओ जो हमारे अचीव हुए है वो है हमारा PO1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, PO4 इंजीनियरिंग टूल्स एंड प्रैक्टिस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये तीन पीओ हमारे यहाँ पे फुलफिल होते हैं। और PSO2 यानी मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो दिस वॉज दी समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी टाइप्स ऑफ ब्रेक, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से काम करते हैं, वो हम लोग आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।